तो हेलो फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो में बात कर लेते हैं लांसर कंटेनर लाइंस की। इस स्टॉक में आज नियरली फ्लैट ट्रेंड है। इस स्टॉक की जो प्राइस है 138 पर चली गई है, तो कंटिन्यूसली इस पे आपको गिरावट देखने को मिली है। ये कंपनी एक ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर की कंपनी है, लॉजिस्टिक सेक्टर की कंपनी है, डिफरेंट टाइप की लॉजिस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो फंडामेंटल जरूर स्ट्रॉन्ग है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इस स्टॉक में गिरावट ही देखने को मिली है। आइए इसके टेक्निकल चार्ट का एनालिसिस कर लेते हैं। एंड तक जरूर हमारे वीडियो को ध्यान से सुने। नए आए हो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस कर लें। इससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक जरूर कर दें। तो दोस्तों, ये एक साल का लास्ट ईयर का पैटर्न है। तो यहाँ पे देखो, पहले इस स्टॉक में अब कंटिन्यूसली गिरावट देखने को मिली है। अपना हाईएस्ट लेवल टच करने के बाद, 250 को क्रॉस करने के बाद, ये स्टॉक कंटिन्यूसली जो है वो नीचे ही गिरता जा रहा है। यदि इसकी ट्रेंड लाइन चेक करो, ये जो स्टॉक है कंटिन्यूसली ये ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है और इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। जैसे ही ये स्टॉक इस ट्रेंड लाइन के अराउंड जाता है, फिर इस स्टॉक में बड़ी गिरावट होती है। तो अगेन एंड अगेन इस स्टॉक में इसी तरह का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। कंटिन्यूसली इस स्टॉक में एक डिक्रीजिंग ट्रेंड लाइन बनती दिखाई दे रही है। सिमिलरली सपोर्ट लेवल देखें तो वहां पे भी एक ट्रेंड लाइन बन रही है। तो आगे से आगे इसकी जो दोनों ट्रेंड लाइंस हैं वो नैरो होती जरूर दिखाई दे रही हैं। मतलब आगे से आगे इसकी जो सपोर्ट है वो भी आपको डिक्रीजिंग ट्रेंड शो कर रही है, और इसकी जो टॉप से रेजिस्टेंस लेवल की ट्रेंड लाइन है वो भी एक तरह से डिक्रीजिंग ट्रेंड शो कर रही है। तो जब तक ये स्टॉक में कोई पॉजिटिव ट्रिगर नहीं आता है, जब तक ये कंपनी इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस नहीं करती है, इसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं देती है, तब तक इस स्टॉक में अभी कंसॉलिडेशन ही बनी रहेगी। आने वाले दिनों में भी ये स्टॉक जो है इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो कर सकता है, क्योंकि अभी इसके रिजल्ट्स भी नहीं आए हैं, कोई पॉजिटिव ट्रिगर भी इस कंपनी में नहीं आया है। तो इसलिए इस स्टॉक में इसी तरह की कंसॉलिडेशन आने वाले दिनों में भी देखने को मिलती रहेगी, और ये स्टॉक इन्हीं ट्रेंड लाइन को फॉलो करता रहेगा। हाँ, यदि कंपनी के नंबर एज पर एक्सपेक्टेशंस रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, तो फिर बड़ा धमाका इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है, और ये जो स्टॉक है अपनी टॉप की जो ट्रेंड लाइन है उसको क्रॉस करता दिखाई दे सकता है, क्योंकि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। हाँ, वैल्यूएशन जरूर थोड़ी हाई दिख रही है, लेकिन कंपनी की अर्निंग में यदि अच्छी ग्रोथ देखने को मिल गई, क्योंकि कंपनी की अर्निंग की ग्रोथ पहले भी बहुत ही बढ़िया है। लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। पहले इसने अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स भी बहुत ही अच्छे बना के दिए थे। तो अभी ये जो स्टॉक है अपने लॉन्ग टर्म का जो सपोर्ट लेवल है वो भी डिफेंड करता दिखाई दे रहा है। तो 130 के अराउंड इसका एक लॉन्ग टर्म का सपोर्ट जोन भी बनता दिखाई दे रहा है। जितनी देर तक ये स्टॉक 130 के लेवल को डिफेंड करता रहेगा, तब तक कोई बड़ी गिरावट की पॉसिबिलिटी यहाँ पर नहीं दिख रही है। तो अभी आप देख सकते हो इस स्टॉक के ये लेवल जो है वो डिफेंड करते नज़र आ रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म का सपोर्ट लेवल देखो, वो भी अभी डिफेंड होता ही नज़र आ रहा है। तो इसलिए आने वाले टाइम पे आप 130 के लेवल पे जो है फोकस करके चल सकते हो। अभी भी ये स्टॉक जो है इस लेवल को डिफेंड करता दिखाई जरूर देता नज़र आ रहा है, क्योंकि अदरवाइज कंपनी की फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, पॉजिटिव है, कंपनी की परफॉर्मेंस लॉन्ग टर्म की बहुत ही बढ़िया है। इसके देखो नंबर्स जो है दिसंबर में इतने अच्छे नहीं रहे थे, और जून 2022 ऑनवर्ड्स आप देख सकते हो इसके रेवेन्यू में डिक्रीजिंग ट्रेंड पाया गया है। जून के बाद सितंबर में नियरली फ्लैट ट्रेंड है, लेकिन सितंबर के बाद आप देख सकते हो दिसंबर में कंपनी के नंबर्स रेवेन्यू में बड़ा गिरावट देखने को मिला है। तो यही कारण है ये स्टॉक नीचे गिरता दिखाई दे रहा है। आने वाले टाइम में भी थोड़ी वॉलेटिलिटी रह सकती है, जब तक इस कंपनी के क्वार्टरली नतीजे नहीं घोषित होते हैं। तो आइए इसके क्वार्टरली नंबर्स एक बार देख लेते हैं कि अभी इसकी डेट आई है या नहीं, इसकी लेटेस्ट अनाउंसमेंट एक बार चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसकी लेटेस्ट अनाउंसमेंट जो है कर दी गई है। यहाँ पे देखो, बोर्ड मीटिंग इंटीमेशन फॉर अप्रूवल ऑफ द फाइनेंशियल रिजल्ट्स। तो कंपनी जो है वो अपने अब नतीजे जो है वो घोषित करेगी, एंड इसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनकी जो मीटिंग है दैट विल बी हेल्ड ऑन द 25/5/2023, मतलब 25 मई को इस कंपनी के नतीजे आएंगे, क्वार्टर फोर के नतीजे भी आएंगे, और साथ के साथ कंपनी के जो फाइनेंशियल ईयर 23 के नतीजे हैं वो भी आएंगे। यदि कंपनी दोनों लेवल्स पे, जीएलई बेसिस पे भी, क्वार्टरली बेसिस पे भी अच्छे नंबर पेश कर देती है, तो फिर एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, और ये जो स्टॉक है अपनी ट्रेंड लाइन को क्रॉस करता दिखाई दे सकता है। क्योंकि एक एक्सपेक्टेशंस हैं, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी का बिजनेस भी अच्छा है, तो एक एक्सपेक्टेशंस हैं कि कंपनी अच्छे नंबर ही पेश करेगी।
तो ओवरऑल देखो इस स्टॉक में आज 73% के अराउंड डिलीवरी उठाई गई है, तो टेक्निकली एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बनता दिखाई दे रहा है, एक जो है सपोर्ट भी डिफेंड जो है होता दिखाई दे रहा है, तो लॉन्ग टर्म में इस स्टॉक में अच्छी अकमुलेशन भी होती दिखाई दे रही है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में कोई ज़्यादा जो है सेलिंग नहीं देखने को मिल रही है, हैवी सेलिंग नहीं देखने को मिल रही है, तो इसीलिए ये स्टॉक जो है अपने सपोर्ट लेवल को डिफेंड कर रहा है, तो इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक में थोड़ा आप जो है वो निवेश के लिए सोच सकते हो। थैंक्स अगेन, मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अभी तक यदि आप हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें।